Maya ka janoon, Maya ka pyar, Maya ki saansein, sab Arjun ka hai. Arjun ka haq hai Maya. Aur main Arjun ka haq kisi ko bhi chheenne nahi dungi. सांझ अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर. समय हाय सांझ, मैंने कितना समझाया कि अपनी जुड्डो कराटे की प्रैक्टिस ना किसी और पे किया कर. हाय कितना बुरा हाल कर दिया बेचारे का. माँ ये मैंने नहीं किया है, अगर मैंने किया होता ना तो तीन चार जगह चोट और लगनी थी इसे. जरूर किसी लड़की के पीछे भागा होगा और उस लड़की ने ना उसे चप्पल से मारा होगा. बेटा अगर किसी और लड़की के बारे में सोचा ना तो कट कट करके ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी. बाय द वे कौन है वो लड़की? है कोई लड़की जिसके लिए टांगे भी तोड़वा सकता हूँ और जहर भी खा सकता हूँ. हाँ जान, मैं तो टाइम पर पहुंच जाऊंगी. तुम हो जो हमेशा लेट आते हो. जो मरे मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा. और हाँ, सारा स्टाफ ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच चुका है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है. और मुझे तुम्हारा अर्जुन मजा आएगा ना, तुम और मैं एक साथ 3 दिन लंदन में. मैं बहुत खुश हूँ अर्जुन. अभी तो खुशी शुरू भी नहीं हुई है. तुम एक काम करो, तुम चेक इन कर लो, मैं डायरेक्ट प्लेन में मिलता हूँ. बाय. बाय नहीं कहते, तुमसे कभी बाय नहीं होगा. कहो फिर मिलेंगे बहुत जल्द. ओके बेबी, जल्दी मिलेंगे. सी यू बेबी. अब मेरा मतलब किक बॉक्सिंग मेरी गई. अगर वो सीखूंगा नहीं तो आपकी बेटी पीट नहीं देगी मुझे. भाई मेरी सांस से आज तक कोई बच नहीं पाया. क्यों आयान? हाँ हाँ बिल्कुल. सॉरी माँ. अर्जुन मैं ही हूँ माँ, तेरा नालायक बेटा. 3 साल से अपनी बेवकूफी की सजा काट रहा था, अब बस अब और नहीं होता माँ. मुझे माफ कर दे. तीन साल लगे तुझे अपनी माँ को याद करने में. 3 साल. तीन साल, 3 साल लग गए मुझे समझने में कि यादों के सहारे जिंदगी नहीं चलती. और ये डस्की भी ना, इसे टीचर होना चाहिए. हर बार मुझे कुछ ना कुछ सिखाई देती है.
इस बार क्या सिखाया इसने तुझे? दीवारें तोड़ना। उसने सिखाया कि दीवारें तोड़ने में जो खुशी है ना, वो दीवार बनाने में नहीं है। आज मैंने सारी दीवारें तोड़ दी। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मां कोई प्रॉब्लम नहीं। और जीप के बारे में भी बता दिया मैंने भाई को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। वो टू मच था, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ दर्द बहुत गहरे होते हैं। I'm sorry, माँ, मुझे माफ कर दो। वापस नहीं जाएगा ना? ये देख देख, मेरा अर्जुन वापस आ गया, मेरा अर्जुन वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। उठाओ अर्जुन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? Pick up the damn phone, अर्जुन। मैम, what? Any problem? अर्जुन फोन उठाओ, अर्जुन प्लीज फोन उठाओ, अर्जुन फोन। माया कहाँ है? माया हमसे बहुत दूर चली गई है माँ। ओके। तीन दिन के लिए लंदन गई है, लंदन। ये क्या किया माया तुमने? बहुत गलत किया। मैं तुमसे मिलने यहाँ आया और तुम मुझे छोड़कर लंदन चली गई। मैं बिल्कुल आजाद। Anyways, माय इमोशनल बातें छोड़ दें। मुझे प्लीज कुछ खाने को दे दो, आलू के पराठे। तीन साल से मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज मैम। अभी लाए। पिक अप द फोन प्लीज। अर्जुन शर्मा जी, आपकी तो बच गई। क्या बज गई? घंटी। फोन बज रहा है कब से? उठा ले फोन। अर्जुन पिक अप द फोन। अर्जुन, यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स बंद कर लीजिए, विमान उड़ान के लिए तैयार है। चलो फोन उठाओ अर्जुन। हेलो अर्जुन, अर्जुन प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, कहाँ हो तुम? जहाँ होना चाहिए वहाँ पर हूँ, आई मीन काम पे हूँ। एंड माया, आई एम रियली रियली सॉरी यार, तुम्हें ऑफ साइट पे अकेले जाना पड़ा। तुम मेरे से अच्छा काम हैंडल कर लोगी। अर्जुन भाई, मैं क्या कह रहा था? हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन मैम प्लीज मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, हम पिक अप करने वाले। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? कुछ सुनाई नहीं दे रहा अर्जुन। हाँ, जैसे लैंड करो ना मुझे फोन करना। हेलो अर्जुन, बाय बाय बाय। मैम प्लीज आप मोबाइल फोन बंद कर दीजिए प्लीज। क्रू रेडी फॉर टेक ऑफ। मैम प्लीज आप मोबाइल फोन बंद कर दीजिए प्लीज। मैम हम टेक ऑफ कर रहे हैं, आप प्लीज मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। प्लीज रोको, मैं अर्जुन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अर्जुन इस फ्लाइट में नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे इस फ्लाइट से उतरना। No!
जा सकते हैं, प्लीज बैठ जाइए। रेडी फॉर टेक ऑफ। टिंग टोंग, आपकी फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। हमारा क्रू आपकी सेवा में है, अब आप वापस नहीं आ सकते। भाई अगर भाभी को पता चल गया कि... अरे भाभी को कैसे पता चलेगा, तुम्हारी भाभी इस वक्त फ्लाइट में टेक ऑफ हो चुका है। जब वो यहाँ पर है नहीं, उसको पता क्या चलेगा। चल कैरम खेलते हैं। माय आई एम रियली रियली सॉरी यार, तुम्हें ऑफ साइड पर अकेले जाना पड़ा। भाई मैं क्या कह रहा था, भाई मैं क्या कह रहा था। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं माया, तुम क्यों मुझसे दूर चली जाती हो? फ्री इंडिया, बस भाई बस, मेरे कान फट जाएंगे। अबे फटने दे, आज फ्री इंडिया है। भाई फ्री इंडिया मतलब आजादी, इसलिए क्योंकि माया गई है लंदन। हाँ, और मैं यहाँ पर अकेला। बहुत मिस किया सब यार, ये शांति स्पॉट, तुम सबको। भाई आपकी मिसिंग का इलाज मेरे पास है। सच्ची मुच्ची? एक सेकंड रुको। ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल वही है। अरे पगले रुलाएगा क्या, 3 साल से मेरे लिए बचा के रखी थी। भाई ये मैं और सिमी ने छुप छुप के पीते हैं मॉम से। ये तेरी सिमी तो साक्षात बेवड़ी है यार, हमारी फैमिली में उसकी खूब जमेगी। बिल्कुल, क्या बात, आजा। देखो पता है, अगर मेरी भूतनी को पता चल गया कि मैं दारू पी रहा हूँ, बैगन का भरता बना दे। पता कैसे पीने देती है? दो पैक, ओनली 2 पैक अलाउड। कैन यू बिलीव दिस? हे भगवान, किसने सोचा था कि अर्जुन शर्मा किसी से डरेगा भी? अर्जुन शर्मा किसी से डरता नहीं है भाई। देखो शराब पी के ना झूठ नहीं बोलते, शराब की बेइज्जती होती है। और ये ना सिमी की बेस्ट फ्रेंड है, इसकी इंसल्ट तो नहीं होने दूंगा। भाई यहाँ लोग तेरे हैं, ये जगह तेरी है, यहाँ तुझे कोई परेशान नहीं करे, माया भी नहीं। तेरे को पता है लोग कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, मैंने तो पूरा का पूरा पैर ना कुल्हाड़ी पे मारती है। और बस कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा, मैंने उससे प्यार किया, मैंने उससे शादी करी। और उसने क्या किया, कुल्हाड़ी क्या करती है, खट से आवाज आती है और टूट जाता है। उस कुल्हाड़ी ने मेरे रिश्ते काट दिए, मेरी जिंदगी काट दी, मेरे सांसें काट दी, मेरी दोस्ती काट दी। अरे अच्छे खासे इंसान को चीता जाता बंदर बना दिया। उसने ना मुझे एक चलता फिरता बंदर बना दिया। अर्जुन बेटा खाना खाएगा? हाँ अर्जुन खाना खाएगा। अर्जुन बेटा कितनी रोटी खाई, 2-3 खा लू? नहीं नहीं, 3 खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अर्जुन बेटा सोएगा? हाँ अर्जुन बेटा सोएगा। अर्जुन बेटा जिम जाएगा? हाँ जिम जाएगा। अर्जुन बेटा उससे बात नहीं करने का, जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक बंदर है। अरे एक बंदर जो होता है ना
वो सांस तो खुद ले सकता है, अरे इस बंदर को तो सांस लेने की भी आजादी नहीं है यार। पूरे घर में, पूरे कोने में, हर कोने में कैमरा। आने जाओ तो कैमरा, सुसु करने जाओ तो सामने कैमरा। अरे साला कैमरा देख के सुसु नहीं निकलती। अगर माया के बताए हुए रास्ते से अलग हो तो तुम्हें ऐसे चक्कर में घुमाएगी, ऐसे चक्कर में घुमाएगी कि साला सीआईडी वाले भी तुम्हें निकाल नहीं पाए। इतनी बैंड बजाई है उसने मेरी, इतनी बैंड बजाई है कि अगर मैं बैंड वाले के पास नौकरी मांगने जाऊंगा ना, वो मुझे फ्री में रख लेंगे। बोलेंगे यार ये तो वैसे ही बजा हुआ है, मस्त बजाएगा। भाई अगर तेरी हालत इतनी खराब थी तूने कुछ किया क्यों नहीं? यान, जब मुझे लगा कि मैं इससे ये सब नहीं होने वाला बॉस, मैं माया के पास गया, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने क्या किया पता? अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और उसके बाद आया दरवाजा खोलो। मैं जानता था कि माया का प्यार मुझे कभी उससे दूर नहीं होने देगा और मैं ये भी जानता था कि माया का प्यार बेहद है, लेकिन इस कदर ये नहीं जानता था। अरे और तो और, पुलिस मुझे पकड़ना चाहती थी, बोला कि मैं माया को परेशान करता हूं इसीलिए वो ये सब कर रही है। पुलिस वालों ने मुझ पे केस ठोक दिया, लेकिन मुझे किसने बचाया? माया ने। माया ने मुझे बचा लिया। अब मुझे वादा दिलाया कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं हो, और सही कहा, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगली बार पता क्या हुआ? उसने अपने आप को और अपनी मां को चलाने की कोशिश की, और पता है पुलिस ने मुझे फिर पकड़ लिया, मुझ पे ही केस कर दिया, बोला कि मैं मां और बेटी को मारने की कोशिश कर रहा हूं। फिर माया ने मुझे छुड़ा लिया। माया का काम है मुझे छुड़ाना, ये सब माया करती थी और फिर मुझे बचाती थी। माया मुझे बचाती रही, पता है क्यों? क्योंकि वो जानती कि मेरी हद, लेकिन इस माया की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं। भाई ये तो, ये तो प्यार है मुन्ना, प्यार, माया का प्यार, ऐसा प्यार जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा प्यार जो सिर्फ काबू करना चाहता है, ढील देना नहीं, ऐसा प्यार जो सिर्फ हक जमाना चाहता है, देना नहीं। भाई मॉम, आयान मारो मां, इसको मारो। भाई मैं दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे पिला रहा है, ये छोड़ना क्या है? कोई बचाओ, मारो 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 मारो। क्या कर रहा था तू? लग रही है, छोड़ो ना मां। बेटा दारू पीने से मुसीबतें कम नहीं हो जाती। कौन कम बगत मुसीबत कम करने के लिए पीता? अरे हम तो इसलिए पीते हैं कि कोई रोक सके। और मेरे बेटे को वहां रोकने वाला कोई नहीं है जहां मेरी मां नहीं,
पापा कोई नहीं। भाई 3 साल पहले आप कितने बदल गए थे ना, अब वापस से वैसे तो नहीं हो गए, क्योंकि और बेइज्जती सहने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। छोड़ना यार। भाई आपको याद है कि मैं और मॉम आपके छोटी सी डफरी के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे और आपने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। मैंने कब? आपको कुछ नहीं पता था। छोड़ना पुरानी बातें। तुझे कोई आइडिया नहीं था ना? 10 की उसे पुरानी बातें छोड़ ना, उस पुरानी बातों को खत्म होगी बात। मुझे पता था। इधर देख, मेरे सामने देखकर बोल। आंखें मिलाकर झूठ भी नहीं बोल सकता। ये देखा सांझ तूने? मुझे पता था मेरा अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस माया की वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। आयन छोड़ना है। अगर इस बार मुझे मिली ना वो, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो कोई नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 3 दिन तक, बिकॉज वो लंदन में है। ये पुलिस का सायरन, हमारी सोसाइटी में वीआईपी कौन है? वीआईपी तो मैं ही हूँ। मिस्टर अर्जुन शर्मा, आप जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से नीचे आ जाइए। तुम्हारी बीवी की हालत बहुत खराब है। अर्जुन शर्मा आया? मिस्टर अर्जुन शर्मा, आप जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से नीचे आ जाइए। आपकी बीवी की हालत बहुत ही गंभीर है। क्या हुआ इसको? प्लेन से पंगा ले लिया होगा। आयान, डॉक्टर। मिस्टर अर्जुन, बात यह है कि फ्लाइट टेक ऑफ करते टाइम माया ने मैम, आप ये क्या कर रही है मैम? मैम प्लेन इज टेकिंग ऑफ, आप क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए मैम, आप गिर जाएंगी। प्लीज मैम, 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 आर यू ओके? ओह माय गॉड, she's bleeding. इमरजेंसी केस था, इसलिए एरोप्लेन से ऑफलोड कराना पड़ा। जानते हैं मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी ने कोई भी ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि आप बुरा मान जाएंगे कि कोई दूसरा मर्द उन्हें हाथ लगाए, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। अरे होश खोते खोते भी वो सिर्फ आपका ही नाम ले रही थी। अरे कैसे कोई अपनी बीवी को इतना डरा सकता है? कैसे इंसान है आप, बेचारी माया जी। अरे आपके गुस्से से तो उन्हें मर जाना ही बेटर लग रहा था। अरे मरती है तो मर जाने दो। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं भाई। आयान, मुझे जाना होगा। भाई आप कहीं नहीं जाओगे। आयान समझ, मुझे जाना होगा। ओके अर्जुन, अर्जुन,
माया और उसके प्यार के बीच में जो भी आएगा माया उसे बर्बाद कर देगी। ये चाहे मेरा कुछ भी करे, अगर तुझे कुछ करेगी ना आयान, मैं सह नहीं पाऊंगा। I'm sorry. सांझ, ये सब नाटक है माया का। वो मेरे भाई को मुझसे फिर से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। सांझ, आयान, 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 आयान तो कहीं नहीं जाएगा, तूने पी रखी है, कुछ हो गया तो? नहीं सांझ, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा, मैं जा रहा हूँ। आयान, 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 सांझ, रोक उसे, वो बहुत गुस्से में है, कहीं वो कुछ कर बैठेगा, वो ये भूल जाएगा कि माया अर्जुन की बीवी है। आयान! मेरे होते हुए किस्से में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगाए माया। सांझ, मैं आयान के पीछे जाता हूँ। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, माया से मेरे बच्चे को बचा लो। सांझ, सुमन, मेरा बच्चा आयान, अर्जुन। रोको। अर्जुन, क्यों मुझे ऐसे सताते रहते हो बार बार? मेरे आंसू तुम्हें देखना अच्छा लगता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। गाड़ी रोको। अर्जुन, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है कि तुम बार बार सांझ के पास जाते रहते हो? बोलो ना अर्जुन, क्या हुआ? गाड़ी रोको। अर्जुन, मैं तुम्हारी इज्जत थी ना, तो फिर क्यों मेरे प्यार की बेइज्जती करते रहते हो बार बार? क्यों सांझ को हमारे बीच में लाते रहते हो? मैं सांझ को बीच में लेकर नहीं आ रहा। सांझ को तुम बीच में लेकर आ रही हो। मैं आयान को मिलने गया था। गाड़ी रोको। मुझे छोड़ के क्यों गए थे? क्यों छोड़कर गए थे तुम? अर्जुन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ? जब किसी से आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते हैं ना तो फासले का पता नहीं चलता। पिछले 3 साल से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम फिर तंग कर रहे हो ना मुझे अर्जुन। हाँ अर्जुन, सांझ को छुपा रहे हो तुम, उसके प्यार को छुपा रहे हो। मैं सांझ को मिलने नहीं गया था, मैं आयान को मिलने गया, उसकी सगाई का हिस्सा बनने। वो हिस्सा जो तुमने मुझसे छीन लिया। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि खून का रिश्ता पानी से गहरा होता है, और आज पानी बहने दो। गाड़ी रोको। मेरी मर्जी से चलती है वो मेरी मर्जी से ही रुकेगी, भले वो गाड़ी हो या फिर ये रिश्ता। ड्राइवर, गाड़ी घर पे लो। जी मैडम। माया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझ में आ गई? अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता? भोले हो तुम। वो लोग तुम्हें कभी खुशी नहीं देंगे, तुम्हारे सपने वहाँ कभी पूरे नहीं होंगे, वो लोग हमारे बच्चे को खुशी नहीं देंगे। हमारा कोई बच्चा नहीं है, यू साइको गर्ल।
हमारा कोई बच्चा नहीं है। हो जाएगा ना अर्जुन, हो जाएगा ना अर्जुन, I love you अर्जुन। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। Yes, ma'am. गाड़ी सीधे घर पे लेना। जी मैम। कहीं पर भी मत रुकना। Yes, ma'am. बुद्धू, इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी नफरत ने तुम्हें मुझसे बांध के रखा। नफरत का ही सही, लेकिन बंधन तो है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। सर को अंदर लेकर जा। जी छोड़ दो मुझे। अर्जुन सो रहा है और अर्जुन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझिए आप। सॉरी आई एम सॉरी मां। वो मां, अगर अर्जुन को कोई तकलीफ पहुंचाता है ना तो दर्द मुझे होता है। अब आप जानती है ना माँ, आप जानती है ना मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ, आप जानती है ना। वो लोग ना माँ, वो लोग वापस मेरे अर्जुन को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं माँ।
और मैं ऐसा कभी कभी नहीं होने दूंगी. मैं कभी नहीं होने दूंगी. मैं अर्जुन मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा माँ. मैंने अर्जुन से प्यार किया है ना, तो निभाना तो पड़ेगा है ना. आप जानती है ना, मैंने आज तक जो भी किया है वो सही किया है ना. मैं ये सभी ठीक कर दूंगी. आई प्रॉमिस यू. ओके ओके चलो. टाइम फॉर यू टू रेस्ट नाउ. कम ऑन. हाँ बोल सांझ. हेलो यान. यान कहाँ पर है तू? वहीं जा मुझे होना चाहिए, उस डैन के घर के बाहर. वो भाई को यहाँ लेकर आइए. झूठी माया सांझ, आज मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि उसके बाद वो अपनी आंख उठा के नहीं देख पाएगी. Just rest. छोड़ दो मुझे, मुझे घर जाना. मैं तुम्हारा घर हूँ अर्जुन. मुझे घर जाना, मुझे छोड़ दो अर्जुन. मुझे घर जाना. तुम्हें ऐसे ही सब भटकाते रहते हैं, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई नहीं आएगा. हम हमेशा साथ रहेंगे. जाना है मुझे. जानती दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी. जाओ यहाँ से. भाई कहाँ है? मैंने कहा जाओ यहाँ से. मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा. तुम अयान. अयान मैंने तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है. अयान यहाँ पर मेरी माँ है जो बीमार है. एंड यू डिस्टर्बिंग हर. कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? मुझे क्या पता. वैसे भी मुझसे ज्यादा उसे तुम लोगों की फिक्र है. अगर मेरी फिक्र होती ना तो मुझे वहां छोड़ के नहीं आता. चोट कैसी? चोट नहीं है, खरोच. नाटक किया था ना मेरे भाई को हिलाने के लिए. समझदार दिखते हो, वो नहीं. अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम सब बोझ थे उस पर. बोझ हम नहीं, बोझ तुम हो उसके ऊपर. और ऐसा बोझ जिसे मैं आज हटा दूंगा और तुम्हारी तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना आंख उठा के नहीं देख पाऊंगा.
आयन, आयन मेरे भाई, उसे हाथ मत लगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। भाई, भाई आप। अभी अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला। आयन, आओ। जिसको बुलाना है बुला ले, मैं यहीं खड़ा। आयन, आयन ऐसे लीव, आयन। भाई। आयन। जाओ यहाँ से। भाई। Stay. आयन। भाई कहाँ हो आप? आयन मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं है। तुम्हें। भाई। आयान, माया बहुत खतरनाक है। भाई कहाँ हो? आयान तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? आयान, भाई, आयान लिसन टू मी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है। आयान, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरा भाई? नहीं पता। तुम जैसी औरतों से ना मुझे जवाब अच्छे से निकालना आता। मैं अपने भाई को इस जहन्नुम से लेके जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। आयन, 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 भाई, आयन, भाई, 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 आयन मैं आऊं, भाई आप अंदर हो क्या? आयन मैं आऊं। भाई, आयन चाबी कहाँ है? निकलो मेरे घर से। मैंने पूछा चाबी कहाँ है? मर जाऊंगी लेकिन इस दरवाजे की चाबी नहीं दूंगी। मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ। आयन नहीं, नहीं आयन। क्या लगता है तुम्हें ये हरकत करके तुम बच जाओगी? आयन प्लीज, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाबी तुम जहां मर्जी रख लो, मैं निकाल कर आऊंगा। समझाया था ना तुम्हें मैंने कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि आंख उठा के नहीं देख पाओगे। नहीं आयन, 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 सारी हदें पार हो जाएंगी मैं। अयान, तो मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। भाभी हूँ मैं तुम्हारी। अयान, तुम जैसी औरतों की मेरी आंखों में कोई इज्जत नहीं। आयन, आयन नहीं। आयन, क्या कर रहे
मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। उसने किया? झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। अपनी भाभी पर बुरी नजर डालता है, थाने चल, तुझे मैं बताता हूँ बुरी नजर क्या होती है। रेप का चार्ज डाल इसके ऊपर, ले चल। भाभी को रेप करने की कोशिश किया इसने। मैंने इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ। बॉब प्लीज बॉब। अरे अयान को कुछ नहीं होगा, ओके? अयान को कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसान है तुम्हारी औरतों से, मैं उससे भी बुरा करूंगा। बहुत आसान है तुम्हारे, भूल जाऊंगा मैं उससे भी। माया
आंटी मायका कैसे हुआ है सब क्या हुआ है छोड़ो मुझे माया माया छोड़ो मुझे क्या कर रही हो नहीं छोड़ो मुझे क्या हो गया तुम्हें डोंट टच मी तुम्हें हो क्या गया और जो तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे तेरे प्यार को इतना नीचे गिरा दिया अर्जुन अपनी इज्जत को तुमने किसी और के हाथों लुटने दिया माया हुआ क्या है कुछ बताओ तो तुम्हें हुआ क्या किसने किया है सब हमने किया ये सब ये सब तुमने किया है तुम्हारी नफरत ने मेरे प्यार ने मेरे प्यार ने मुझे आज इस रास्ते लाकर खड़ा कर दिया आज तुमने बता दिया अर्जुन कि किसी से बेहद प्यार करने का क्या नतीजा होता है माया ऐसा कुछ किसने किया ये सब माया मुझे बताओ कि किसने किया ये सब तुम्हारे भाई ने अब तुम जैसी औरतों की मेरी आंखों में कोई इज्जत नहीं आज सारी चीजें पार हो जाएंगी माया मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ आयान वहां क्या हुआ था मुझे सब कुछ सच बता तूने वहां क्या किया आयान साज ये तू क्या पूछ रही है आयान से मेरा आयान ऐसा कुछ नहीं कर सकता आयान सच बता तूने क्या किया है आयान सांझ तुझे मुझ पर इतना भरोसा नहीं है अरे ये सब कुछ माया का प्लान था माया की चाल है मुझे पता है ना सांझ ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता यार मैं जानती हूँ आयान कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शराब के नशे में कुछ भी हो सकता है सांझ मैं जितनी मर्जी शराब पी लूं लेकिन किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं करूंगा यार प्लीज मॉम ट्रस्ट मी नहीं माया वो ऐसे नहीं कर सकता वो मेरा भाई है इसीलिए अर्जुन इसीलिए उसने तुम्हारे भाई से अच्छी सजा मुझे और कौन दे सकता है अर्जुन उसी ने कहा था कि वो मेरी ऐसी हालत कर देगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी कर दिया उसने ऐसा तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि आंख उठा के नहीं देख पाओगे उसने कहा था कि वो भूल जाएगा कि मैं उसकी भाभी हूं कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो अर्जुन मैंने तो तुमसे सिर्फ प्यार किया था ना तुमने इतनी नफरत में अपने भाई को मिला उसे इतनी इजाजत दे दी कि वो मेरी ऐसी हालत कर सके अर्जुन मेरी बात सुनो अर्जुन नहीं अर्जुन मुझे लगता था कि तुम भोले हो दुनिया की बातों को नहीं समझते लेकिन आज तुमने दिखा दिया अर्जुन की इस रिश्ते में भोला कौन है क्यों अर्जुन क्यों
क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी अर्जुन? क्यों क्यों मेरी ऐसी हालत कर दी अर्जुन? क्यों मैंने ऐसा क्या किया? मेरे प्यार की तुमने इतनी बड़ी सजा दी अर्जुन, मैं इतनी बुरी हूँ? किस बात की इतनी बड़ी सजा दी अर्जुन? तुमसे बेहद प्यार करने की सजा दी मुझे। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ यार। तो फिर अयान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने भाई की इज्जत पर हाथ डाल सके? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.